Everyone. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वुड के बारे में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आई ठीक है सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है द वुड डिस्पैच ऑफ 1854, फिफ्टी फोर ऑल्सो नोन एज द डिस्पैच ऑन इंडियन एजुकेशन ठीक है ये जो 1854 का वुड डिस्पैच है इसको बोला जाता है डिस्पैच ऑन इंडियन एजुकेशन इसने प्रपोज किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म रिफॉर्म्स मतलब नए चेंजेस लाना कोई नया बदलाव जिससे कोई ना कोई चीज का जो भी मतलब पहले से वो चल रही हो उसमें चेंजेस आए ठीक है वो रिफॉर्म किससे रिलेटेड आए वो रिफॉर्म्स आए एजुकेशन से रिलेटेड सो देवर द एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स ठीक है द वुड डिस्पैच वॉज अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट इन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहा है जब हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल की इंडिया में और एजुकेशन से रिलेटेड ठीक है नाउ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रपोज सेवरल रिफॉर्म रिलेटेड टू गवर्नेंस एजुकेशन एंड अदर एरियाज ऑफ इंडियन सोसाइटी ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये कई सारे रिफॉर्म लेके आया रिलेटेड टू गवर्नेंस यानी कि जो गवर्नमेंट है एजुकेशन और कई सारे इंडियन सोसाइटी रिलेटेड जो एरियाज थे ठीक है डिस्पैच प्लेड अ की रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया ये जो डिस्पैच है इसने एक काफी इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया शेप करने में फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया ठीक है मतलब कि जब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी की सॉरी इंडिया में ब्रिटिश की क्या पॉलिसी रहेगी तो इस डिस्पैच ने उस सबको इंफ्लुएंस किया एंड इन सेटिंग द स्टेज फॉर फर्दर रिफॉर्म्स इन द दर्स टू कम मतलब देखो जब भी आप ये डिस्पैच के बारे में पढ़ते हो हंटर्स कमीशन के बारे में पढ़ते हो ये एक ऐसा बेस बना देता है कि आने आने आगे जो साल आएंगे उस उसका सीधे इन्फ्लुएंस पड़ता है मतलब उसका असर आने वाले सालों पे आने वाले जो सालों में एजुकेशन uh, है जो रूल्स रहेंगे जो uh, जो भी मतलब फैसले रहेंगे उन सब पे पड़ता है ठीक है नाउ ये वुड पैच सॉरी वुड डिस्पैच किसने क्रिएट किया वुड डिस्पैच ऑल्सो नोन एज द डिस्पैच ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड द डिस्पैच ऑन इंडियन एजुकेशन वॉज रिटर्न बाई सर चार्ल वुड ये किसने लिखा सर चार्ल्स वुड ने लिखा था ठीक है सर चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जिन्होंने प्रेसिडेंट की तरह सर्व किया था ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने सर्व किया था एटीन फिफ्टी टू से लेके एटीन फिफ्टी फाइव ठीक है ये एक चीज हुई द वुड डिपैच ऑफ एटीन फिफ्टी फोर प्रपोज सेवरल इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ये जो एटीन फिफ्टी फ़ोर का वुड डिसपैच था इन्होंने क्या किया मतलब ये जो आया था उस टाइम पर इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज़ में कई सारे चेंजेज़ एजुकेशन में लाने के लिए या प्रपोज़ करा बेसिकली कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए मतलब किस किस चीज़ से रिलेटेड प्रपोज किया वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे तो फर्स्ट उनका जो प्रपोजल था रिकमेंडेशन था वो था कि हमें प्रॉपर एक सिस्टम किसके लिए पब्लिक एजुकेशन के लिए हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए मतलब कि स्थापित करना चाहिए एक प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम पब्लिक एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट और फंडिंग की हेल्प से तो गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा एक ऐसा सिस्टम हम तैयार करेंगे जो कि पब्लिक एजुकेशन के लिए रहेगा ठीक है द क्रिएशन ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू इंडियंस विद अ फोकस टू प्रिपेयर इंडियन स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करेंगे जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा हायर एजुकेशन जब अच्छी मिलेगी इंडियंस को तो जो बच्चे हैं उनको बाद में जाके जॉब मिलेगी दे विल बी रेडी फॉर द एम्प्लॉयमेंट ठीक है द प्रमोशन ऑफ़ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन एडिशन टू इंग्लिश प्रजर्वस इंडियाज़ कल्चर हेरिटेज एंड प्रमोट नेशनल आइडेंटिटी मतलब इंग्लिश तो ठीक है जो पढ़ा रहे हैं उसका प्रमोशन हो रहा है हो रहा है लेकिन सबसे जरूरी है कि जो हमारे इंडिया में लैंग्वेजेज हैं उसमें हिंदी का भी प्रॉपर उस में पढ़ाना प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज और बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट सारी जितनी भी लैंग्वेज language, सारी लैंग्वेजेज इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर तो वो सारी इंग्लिश के साथ साथ जो बाकी की लैंग्वेजेज हैं चाहे कोई भी हो उन सब का प्रमोशन और उन सबको भी ऐड करना ताकि इंडिया की कल्चरल हेरिटेज बनी रहे और नेशनल आइडेंटिटी बनी रहे ठीक है द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन टीचर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री ट्रेनिंग ऑफ इंडियन टीचर मतलब इंडियन टीचर्स की ट्रेनिंग करना ताकि क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन पे फ़र्क पड़े टीचर्स जितने अच्छे से ट्रेन होंगे जो अच्छी फैसिलिटीज़ उन्हें मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उन्हें मिलेगी तो क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन पे डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल्स टू इंडियंस यानी टेक्निकल एजुकेशन जब हम टेक्निकल की बात करते हैं ना तो यहाँ टेक्निकल का मतलब क्या होता है हम बात कर रहे हैं ऐसे स्किल सेट की जैसे जिसमें सिर्फ आप पढ़ नहीं रहे हो सपोज एक आई टी इंजीनियर है ठीक है कोई भी इंजीनियर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर तो उनके टेक्निकल एजुकेशन मिली है उन्हें डायरेक्ट ठीक है ट्वेल्थ के बाद उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन ली जिससे उनको ऐसे स्किल्स आ चुके हैं कि अब वो फाइनली डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं ठीक है तो जब टेक्निकल एजुकेशन अच्छी होगी हम ऐसी मशीनरी बनाएंगे हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे हम तरक्की करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी ठीक है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप बच्चों को क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आगे परस्यू करें एजुकेशन तो ग्रांट और स्कॉलरशिप जैसा सिस्टम डेवलप करना ताकि बच्चे एजुकेशन परस्यू करें ठीक है द क्रिएशन ऑफ़ स्कूल्स फॉर वुमेन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड वुमेन वुमेन्स के लिए स्कूल्स बनाना और एजुकेशन और गर्ल्स uh, मतलब गर्ल्स एंड वुमेन को एजुकेशन देना उस टाइम पे क्या था ना थोड़ा सा भेदभाव होता था भेदभाव क्यों होता था क्योंकि लड़कियों को पूरा ऐसा नहीं मानते थे जैसे आज के ज़माने में हर जॉब में हर फील्ड में लड़कियाँ लड़कों से कंधा मिला रही हैं पहले ऐसा नहीं था तो उस चीज़ को यू नो कम करने के लिए और मतलब लड़कियों को और औरतों को बढ़ावा देने के लिए इस बात पे फोकस किया गया तो आप देख रहे हो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जितने भी आप कमीशन पढ़ते हैं उसमें आपको रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उसमें ये सारे बार बार मेंशन होते हैं तो इन सब का फ़ायदा क्या होता है ना ये जो चीज़ें हुई थी ये आने वाले सालों में ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क लाई थी ठीक है ये जो फीचर्स थे एजुकेशन के प्रपोज हुए थे वो डिस्पैच में उन्होंने एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम एक अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम एस्टेब्लिश करने में हेल्प करी डिस्पैच ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई मतलब ये जो वो डिस्पैच था इसमें बात हुई है कि कितना जरूरी है एजुकेशन ठीक है और जरूरी है कि एजुकेशन प्रैक्टिकल हो एंड रेलिवेंट हो ठीक है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडियन पीपल मतलब सपोज इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में डेयरी बहुत अच्छी है डेयरी के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है और एग्रीकल्चर की मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ तो यहाँ पे आप सपोज एक पर्टिकुलर प्लांट मान लीजिए जो नहीं उगता है ठीक है लेकिन डेयरी और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है तो आप इस पे फोकस करने के लिए कहोगे या जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करने के लिए कहोगे तो अगर अच्छी एजुकेशन होगी तो इंडियन पीपल कैन यू नो फोकस इन सब चीज़ों पे जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं और एक प्रॉपर नेशनली इंडिया के हिसाब से जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस कर पाएंगे एंड फाइनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी ठीक है जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनेंगे जितनी ज़्यादा प्रमोशन होगा इंडिया में प्रेजेंट सारी लैंग्वेज का उतना अच्छा है लिटरेचर जो भी प्रेजेंट है इंडिया का इतिहास हो गया चाहे प्रेजेंट हो गया कुछ भी इस सब को डेवलप करना बहुत अच्छा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल फॉर वूमेन वॉज इम्पॉर्टेंट स्टेप औरतों के लिए स्कूल बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि इससे एक प्रॉपर इंक्लूसिव एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को you यू know, नो ढांचा तैयार हुआ तो बेसिकली जब ऐसे रिकमेंडेशन मिलते हैं तो चाहे उस टाइम पे फॉलो ना हो लेकिन कई साल बाद उन चीज़ों पे गौर किया जाता है क्योंकि उनके बारे में बहुत पहले चर्चा हो गई होती है ठीक है सो दिस वॉज द मेन हाईलाइट ऑफ द वुड डिस्पैच अभी के लिए मैंने ये वाली जो वीडियो बनाई है इसमें मेन सारे पॉइंट कवर कर दिया अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो इन सबको आप वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ और आप अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो आप और भी कई सारी बुक्स को रेफर कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जरूरी है आप लोग क्या कर सकते हैं ना इसके नोट्स जो फ्री में अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे जिसका नाम है विद हर्षिता लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी उसको जरूर चेक कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा एंड साथ ही साथ प्लेलिस्ट जो है ना आप उसको चेक कर सकते हैं उसमें आपको बीएड और एमएड की कई वीडियो मिलेंगी जो आपके लिए अच्छी रहेंगी ठीक है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई वीडियो आपको नहीं मिली जो आपको चाहिए आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे जोड़ के